अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्वीन दारू के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, फाइनली क्वीन दारू ख़ुद लाइव आकर उसने हर चीज़ को क्लैरिफाई कर दिया है। जो ये बात कही जा रही थी उसके बारे में कि उसने बच्चे छोड़ के आसम भट्ट से शादी कर ली है, उसने ख़ुद वहाँ पे आके उसका जवाब दिया है। तो इसी के साथ आखिर में मैं आपको वीडियो सुनाऊँगा जहाँ पर उसने बच्चे भी दिखाए हैं और बात भी की है। तो यहाँ पहली बात ये है, देखें मैंने आपको बात कही थी कि उसके बच्चे उसके साथ हैं, तो जो लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे असल में उनका एजेंडा ये था इसको डिफेम किया जाए। आप देखें, आपने एक माँ को इस तरह जालिम बना के पेश किया जैसे पता नहीं वो कौन है। तो आपने ये साबित करने की कोशिश की जो क्वीन दारू के बच्चे हैं उनके सगे आप हैं उसकी माँ से ज़्यादा, जबकि ऐसी बात नहीं है। और कुछ लोग बहतान बांधते हुए ये बात कर रहे थे कि उसकी जो बच्ची है बीमार हो गई है, अस्पताल पहुँच गई है, खुदा ना खासा मरने वाली हो गई है। उन लोगों को शर्म आज इस तरह की बातें करते हुए। तो फिर काफ़ी सारे लोगों ने ये बात करना शुरू कर दी कि अगर आप सच्चे हैं तो उसको कोई वीडियो बनाए, बच्चे सामने लेके आए और दिखाए हमें। अब फाइनली उसने सब कुछ दिखा दिया है। अब इसके बाद भी, क्योंकि आप लोगों ने तो माना नहीं है, आप लोगों ने प्रोपेगेंडा करने से बाज नहीं है ना, लेकिन फिर भी जो कुछ आज हुआ, जो लाइव पे उसने दिखाया, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो अब चलते हैं उस वीडियो की तरफ, और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेयर आर योर किड्स? मैं किड इज हियर विद मी ऑब्वियसली। मामा जी, ये अब खोल दो। अच्छा, चॉकलेट वाला है क्या? हाँ, चॉकलेट वाला है। यस। तो लोग इतनी सारी बातें कर रहे हैं, आई डोंट नो क्यों, आपको उस रियल स्टोरी नहीं पता। तो अपने पास से आप लोग प्लीज़ कुछ भी ना लगाएं और इतना गंदा गंदा ना बोलें, ठीक है? यू नो, आप लोगों की बातों की वजह से किसी की मेंटल हेल्थ ख़राब हो सकती है। सो बस मैं इतना ही कहूँगी, और किसी को बुरा भला नहीं कहूँगी मैं जो बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं लोग। आप प्लीज़ जो है ना, आप स्टॉप हो जाइए। नहीं जान, आप नहीं आ सकते लाइफ में, और मैं बच्चों को लेके भी आ जाती। आप लोग बच्चों की यार प्लीज ना करो, मैंने मैंने आप लोगों की बातों की वजह से बहुत ज्यादा सफर किया है। अभी भी मेरी आवाज थोड़ा खराब है। उसने क्या किया था? जो आप खेलो बेबी, जाओ। लाइफ ने क्या किया था? पता नहीं, वो अजीब सा बन गया था, ऐसे किया था। हाँ तो अच्छा, मुझे ना शिकायत जो है ना, जो मेरे टिकटॉक पे भाई है, उन लोगों से नहीं है जो मुझे बुरा भला कह रहे हैं, मुझे औरतों से। एक जो औरतें हैं वो किसी और का बुरा कैसे चाह सकती हैं? लाइक किसी और औरत का, मैं किसी और औरत के बारे में आप कैसे बुरा बोल सकती हो? लाइक क्यों ऐसे बुरा भला बोल रहे हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड वाई औरत औरत की दुश्मन बनी हुई है। मुझे नहीं पता क्यों। लाइक मैं अपनी पर्सनल लाइफ किसी के साथ आज तक ना मैंने शेयर की है, और ना ही मैं अभी शेयर करूँगी। जो मैं टिकटॉक पे आप लोगों को दिखाती हूँ उसी हद तक रहेंगे प्लीज़। जो मेरे घर में क्या हो रहा है, मेरी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, वो मैं आप लोगों को क्यों बताऊँ? कोई क्यों बताता है? कोई इन्फ्लुएंसर आज तक आपको पता है, दिखा है आप लोगों ने कि कोई इन्फ्लुएंसर बता रहा है अपनी पर्सनल लाइफ किसी को कि मेरे घर में आज लड़ाई हो गई, मैं आज घर से निकल गई, या मैंने आज ये कर लिया? कोई नहीं बताता। हर चीज़, हर इंसान अपनी खुशियाँ शेयर करता है लाइक लाइफ पे। तो मैं भी अपनी खुशियाँ शेयर करती हूँ लाइफ पे, या फिर इंस्टाग्राम पे, या टिकटॉक पे। मैंने कभी भी कोई नेगेटिविटी नहीं शेयर की, ना ही मैं अभी शेयर करने आई हूँ आप लोगों से कुछ नेगेटिविटी या नेगेटिव बात। नो, लोग कह रहे हैं कि आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप लोग, आपको बताना चाहिए आपकी लाइफ पे क्या हो रहा है, आपकी डिवोर्स कब हुई, आपको ये बताना चाहिए। क्यों कोई बताता है कि आप मेरी डिवोर्स हो गई, या मैं रो रही हूँ, या मैंने अपना हाँ कर लिया, ये मैंने वो कर लिया? जैन बीबी, जैन बीबी आप वहाँ पे जाओ प्लीज, खेलो बबू। सो कोई कोई नहीं बताता कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, राइट? सो मैंने भी ज़रूरी नहीं समझा कि मैं बताऊँ, तो ये हुआ है, और तो कुछ नहीं। सो प्लीज़ मैं उन औरतों को कहना चाहूँगी जो अभी मुझे देख रही हैं, आप लोग प्लीज़ दूसरी औरत के बारे में बुरा कहना बंद कीजिए। और अगर आप लोगों को स्टोरी नहीं पता, कोई रियल स्टोरी क्या है, क्या है आप लोगों के पास सबूत, क्या है कि मैंने अपने बच्चों को छोड़ दिया? ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे बच्चे हैं। लाइक एक माँ अपने बच्चों को कैसे छोड़ सकती है? आप लोग प्लीज़ दिमाग यूज़ कीजिए, ठीक है? सो बस मैं यही कहूँगी कि और मैं कहूँगी इतना जहर, लाइक एक मिनट में सब लोग एक मिनट में जो है ना बुरा भला कहना शुरू कर दिया। लाइक एक मिनट में पूरी इज्जत गिरा दी, एक मिनट में। किसी को कोई स्टोरी नहीं पता, कुछ नहीं पता, और जो है गिरा दिया। और
एक लड़की मुझे अपने पता नहीं कैरियर में बेस्ट फ्रेंड है, मेरे साथ रही है, मेरे साथ वो किया, उस औरत के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी, वो भी एक औरत है, ठीक है, उसका नाम है रिदा, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगी कभी नहीं, और ना ही मैंने आज तक कहा है, सो अभी भी मैं नहीं कहूँगी। सो वो जो कह रही हैं वो कहते रहिए। सो आप के लिए मैसेज है एक, जो आप मुझे देख रही हैं अभी, आप जान कि आप एक औरत हो, बस मैं ये कहूँगी। आपकी जो भी मुझसे दुश्मनी है वो ठीक है, आप निकाल रही हो निकालो, लेकिन मैं आपके बारे में कुछ बुरा भला नहीं कहूँगी, और ना ही मैं चाहती हूँ कुछ बुरा भला कहना किसी के बारे में, नो। सो आप जो कह रही हो आप कहते रहो, और लोग आपको सुनते हैं, आप सुने कब तक कहेंगी, जब तक आपकी ज़िंदगी है तब तक आप कहिए, नो प्रॉब्लम। मुझे इससे कुछ हासिल नहीं है, ना ही आपको हासिल है, अगर आप लोग अपनी भड़ास निकाल रहे हो से दुश्मनी की, सब निकालो, नो प्रॉब्लम। और ये जो लड़की है जिसका नाम है रिदा, आज तक मैंने उसका जिक्र नहीं किया, आज तक, ठीक है, पता नहीं फेम के लिए करे क्यों, मेरा फ़ायदा उठाया वो कह रही है, क्या कह रही है, फ़ायदा उठाया ये क्या वो क्या, मैं किसी का फ़ायदा उठा सकती हूँ? नो, मैं किसी का फ़ायदा नहीं उठा सकती। आपने बोला था कि मैं बोलूँगा? नहीं आप नहीं, नहीं आप नहीं बोलोगे, क्यों? आप उधर जाओ, आप उधर जाओ, मेरा बच्चा उधर, हाँ उधर जाओ, किचन में जाओ। मैंने कहा आपने नहीं बोलना लाइफ में, ओके। सो गुड बॉय, अब आपने नहीं बोलना, आप उधर जाओ आराम से, बोलना नहीं है, ओके। अच्छा ये लोग ना कहें कि बच्ची कोई और बिठा के रख दिए, ये मेरी बेबी है। इसने क्या किया, बच्ची कोई और बिठा दी। एक बंदा है जिनको मैंने भाई माना था पहले, कभी शायद वीडियो डिलीट करवाई थी किसी की, तो मैंने उनको मैसेज किया, अभी वो क्या कह रहे हैं, मेरी ना दारू से बात हुई, उसकी बेटी बीमार है। मैंने कहा यार मेरी बेटी बीमार है, मेरी कब बात हुई इनसे? भाइयों से शिकायत नहीं है, उन बहनों से शिकायत है जो कि बुरा बहुत बोल रही थी, कसम से, लाइक बहुत बुरा, एंड मुझे बहुत दुख हुआ इस चीज़ की। अगर फॉर एग्जाम्पल खुदा ना खास्ता किसी की डिवोर्स होती है, वो बताती है हेलो गाइस मेरी डिवोर्स हो गई, वाह आई एम सो हैप्पी, ऐसे बिल्कुल, बिल्कुल, कोई बताएगा? तेरे कोई भी नहीं बताता। उस वक्त तो इंसान डिप्रेशन में होता है, उस वक्त इंसान डिप्रेशन में होता है, वो क्या किसी को बताएगा भाई मेरी डिवोर्स हो गई। लेकिन मेरा ये कंसर्न है कि मेरी बच्चों की वीडियो ना डालें, दैट्स इट, मेरे तो डालें नो प्रॉब्लम, बिकॉज मेरी याद है ये चीज गलत है दिया, तो वो पहले बहुत और भी कंट्रोवर्सी बनी है, तो वो नो प्रॉब्लम, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरी अगर कंट्रोवर्सी बनती है तो नो प्रॉब्लम, लाइक ये हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। जेली किचन में, तो मैं कह रही हूँ बस मेरे बच्चों को वीडियोज वगैरह ना डालें, और बच्चों को साइड पे करें, और अगर आपको जो व्यूज वगैरह चाहिए तो वो मेरी पिक्चर लगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन ना लगाए, नो प्रॉब्लम, ठीक है, प्लीज़।